मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुड़ने वाले अस्पतालों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने PPP मॉडल के तहत नए अस्पताल बनवाने का ऐलान किया है। ये नए अस्पताल टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए इंद्रधनुष योजना के तहत 12 नई बीमारियों को चिन्हित किया है। देयर आर नो आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स विल बी गिवन प्रायोरिटी। सो फ्रॉम 112 ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, दोस व्हिच डोंट हैव एन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल फॉर आयुष्मान ट्रीटमेंट्स will be given the first priority so that in tier 2 and tier 3 we have more such hospitals. This would also provide large scale employment opportunities to youth. Proceeds from taxes on medical devices, this is very interesting, it has a bearing on what I will be saying during taxation, the part B. Proceeds from taxes on medical devices would be used to support this vital health infrastructure which will get built in the aspirational districts. Using machine learning and artificial intelligence in the Ayushman Bharat scheme, health authorities and the medical fraternity can target diseases with an appropriately designed preventive regime. TB Harega Desh Jeetega. टीबी हारेगा देश जीतेगा। दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड। आई प्रपोज टू स्ट्रेंथन दिस कैंपेन टू रियलाइज आवर कमिटमेंट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। आई प्रपोज टू एक्सपैंड ऑल्सो जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफरिंग 2000 मेडिसिन एंड 300 सर्जिकल्स बाय 2024। वहीं इन बीमारियों को मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें कम टीकाकरण वाले इलाकों में तिपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोर्टोसिस, टेटनस, खसरा, रुबेला और रोटा वायरस जैसी बीमारियों से बचाव किया जाता है। बता दें कि मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में सरकार ने शुरू किया था। ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। News Desk.